हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए 6 ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ और वो डेली चार्ट के ऊपर रहेंगे। तो मैं आपको लेवल बताऊंगा कि कौन से लेवल के ऊपर आपको बाय करना है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। और ब्रेकआउट स्टॉक में गाइस, आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो उसमें क्या होता है कि वो मोमेंटम स्टॉक होते हैं, यानी आपके पैसे फंसे नहीं रहेंगे। कोई साइडवेज स्टॉक नहीं होता, वो जब ऐसे पैटर्न बनाता है तो उसके ऊपर वो अच्छे से अगर लेवल तोड़ता है तो अच्छे से आराम से 5-10% एक ही दिन में दिखा सकता है। तो ऐसे स्टॉक में आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका पैसा इजिली बनता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी साइडवेज स्टॉक में आपने ऊपर नीचे में कहीं ले लिया 1-2% के लिए, ऐसा मत करो। आपका इसमें रिस्क होगा वो 2-3% का होगा, लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा वो 10% का मिलेगा। तो वो आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले गाइस, जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं और जिसने भी अगर कल का वीडियो नहीं देखा, हर सैटरडे को आपको पता है मैं डाकोस का वीडियो डालता हूँ। डाकोस में क्या होता है, 3 स्टॉक वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके बताता हूँ और 3 से 12 महीने में ये स्टॉक डबल हो सकते हैं। तो आप अगर अपने पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक लेना चाहते हो तो अगर आपने ये कल का वीडियो देखा नहीं है तो जाके देख सकते हो। इसमें आपको फायदा ये रहेगा कि आपको इसमें रिस्क बहुत कम मिलेगा और रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा, तो आप ये स्टॉक ले सकते हो। कल मैंने 3 स्टॉक रेकमेंड किए, तो ये वीडियो देखा नहीं तो जाके देख सकते हो। उसके अलावा भी आप रेगुलर हर शाम को मेरे वीडियो भी आते रहते हैं, तो जो लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो। तो अभी अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको 6 स्टॉक बताऊंगा जो डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुके हैं और अभी कैसा परफॉर्मेंस देंगे आने वाले दिनों में। तो उसमें पहले स्टॉक का नाम रहेगा एफसीएल। तो एफसीएल अपने बाय करने का रीजन पहला आपको देखो गाइस, देख के ही आपको पता चल जाएगा कि चार्ट क्या कहता है। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं समझा दूं, कोई भी स्टॉक होता है कोई लेवल को रिस्पेक्ट करता है, उसको आपने बोलते हैं रेसिस्टेंट लेवल या तो सपोर्ट लेवल बोलते हैं। तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया फिर रिजेक्ट किया, फिर से यहाँ पे क्या किया वही लेवल पे गया, फिर से रिजेक्शन मार के नीचे आया और फाइनली स्टॉक ने क्या किया, देखो लंबी लंबी कैंडल बनाई है। उसके साथ साथ आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक दूसरे दिन भी ऊपर गया और तीसरे दिन क्या किया, वही उसका जो पहले सप्लाई जोन था वहां पे रिटेस्ट करने आया और रिटेस्ट करके यहाँ पे टच मार के फिर से ऊपर चला गया। यानी क्या किया, ब्रेकआउट दिया उसके बाद रिटेस्ट भी किया और अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यानी बहुत अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक है। डेली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एफसीएल, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे एफसीएल स्टॉक का नाम है। और तो देख सकते हो कि यहाँ पे उसने क्या किया, रेसिस्टेंट मल्टीपल रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट देके ऊपर गया है वॉल्यूम के साथ और यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से स्टॉक क्या कर सकता है, दो चांस है, या तो फॉल्स ब्रेकआउट होके स्टॉक नीचे भी आ सकता है और दूसरा चांस है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। तो अभी अपने यहाँ पे करंट सीएमपी पे बाय नहीं करेंगे, अभी अपने इसको देखेंगे कि स्टॉक कहाँ पे जा रहा है। तो अपने अगर ये जनरली ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक क्या करेगा, ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर उसको जाना ही पड़ेगा। तो ये लेवल के हाई के ऊपर अपने स्टॉक को बाय करेंगे और जो एक कैंडल का लो है वहां पे अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन गाइस ध्यान रखना, पहले अगर स्टॉप लॉस लेवल पहले आ जाता है तो वो कॉल अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, जो सेटअप है समझो यहाँ पे नीचे ब्रेक कर देता है पहले तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कल स्टॉक यहाँ पे ओपन होना चाहिए और उसके बाद ये लेवल स्टॉप लॉस का लेवल ट्रेड नहीं करना चाहिए, पहले ये वाला करेगा और तो ही अपना कॉल एक्टिव होगा और स्टॉक ऊपर जाएगा और वैलिड सेटअप में काउंट होगा। अगर स्टॉप लॉस लेवल पहले आ गए तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो पहला स्टॉक का नाम है एफसीएल, आप वॉल्यूम भी देख सकते हो बहुत अच्छे से है, तो ये स्टॉक आने वाले 10 से 15 दिन में अच्छी रैली दिखा सकता है। इसीलिए आपको सीएमपी कितना चल रहा है, 152.3 चल रहा है, लेकिन आपको बाय कब करना है, 157 क्रॉस करे तभी बाय करना है। 157.10 पे आपको बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो तभी आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस लेवल रहेगा 151 डीसीबी रहेगा, डीसीबी यानी कि क्लोजिंग बेसिस रहेगा, डेली क्लोज बेसिस। उसके पीछे का रीजन क्या है गाइज, कभी कभी क्या होता है, स्टॉक नीचे आ जाता है लेकिन वो इंट्राडे में स्टॉप लॉस खाने आता है, फिर ऊपर चला जाता है और दूसरे दिन उससे भी ऊपर चला जाता है, इसीलिए डीसीबी लगाया है। अगर आपको डीसीबी सूट नहीं हो रहा तो आप टाइट स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, 150 का लगा के निकल भी सकते हो। और टारगेट रहेगा इसमें 170 और 175 का रहेगा। आप सोच सकते हो 157 के ऊपर बाय करना है
और 170 और 75 का टारगेट मिलेगा। यानी रिस्क आप देखोगे तो 6 रुपीज के करीब रिस्क रहेगा, लेकिन सामने रिवॉर्ड देखोगे तो बहुत अच्छा 15-18 रुपीज का रिवॉर्ड मिलेगा। और जब भी ट्रेड एक्टिव होगा तो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 से 7 दिन का रहेगा। 1 से 7 दिन में ये टारगेट अचीव हो सकता है, 170 और 175 आ सकता है। तो ये पहला स्टॉक होगा FCL, जो डेली चार्ट के ऊपर ऑलरेडी अच्छे से ब्रेकआउट दे चुका है, तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं दूसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ। दूसरा स्टॉक का नाम रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन अपने बाय करेंगे, उसके पीछे का भी मैं रीजन बताऊंगा। सेम उसमें भी सेम सेटअप रहेगा, डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। देखो क्या किया है, डेली चार्ट के ऊपर रेसिस्टेंट लिया, नीचे आया, यहाँ पे फिर नीचे आया, यहाँ से फिर से नीचे आया, यहाँ पे फिर मल्टीपल टाइम यानी 3 से 4 बार नीचे आया और फाइनली उसने क्या किया, अभी ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज दिया। और उसके साथ साथ आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छे से है, यानी स्टॉक कंफर्म हो गया कि स्टॉक ऐसे ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन देखो 2 दिन से क्या कर रहा है, रिटेस्ट करने यहाँ पे आ रहा है, यानी अभी डिमांड जोन के आसपास चल रहा है। अगर स्टॉक जेन्युइनली करेक्ट होगा, मतलब ऊपर जाने के लिए रेडी होगा, तो क्या करेगा, उसको ये लेवल ब्रेक करके ऊपर जाना ही होगा, तब आप अपने बाय करेंगे। अभी CMP पे बाय नहीं करेंगे। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो वो नीचे क्लोज दे देगा, तो अपने ऐसे फॉल्स ट्रेडिंग से मतलब फॉल्स मतलब बच सकते हैं ऐसे, इसीलिए बाय अब मैं रखता हूँ। CMP पे आपको बाय नहीं करना। तो टाटा कम्युनिकेशन CMP कितना चल रहा है, 1545.25 चल रहा है। आपको बाय कब करना है, 1568 के ऊपर ही बाय करना है। जब ये लेवल ब्रेक करेगा तभी आपको बाय करना है, ये जो कैंडल है उसके ऊपर जाएगा तभी बाय करना है। और स्टॉप लॉस लगाएंगे 1536 का, DC भी लगाएंगे डेली क्लोज बेसिस 1536 यहाँ पे आएगा। समझो कि स्टॉक कल ओपन हुआ और 1536 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। और जब भी कॉल एक्टिव होगा, समझो कि 1545 चल रहा है, कल स्टॉक को ओपन हुआ 1550 पे और पहला लेवल आ गया 1568 का, तो अपना कॉल एक्टिव होगा। समझो 1550 ओपन हुआ, 1536 के नीचे ट्रेड करने लगा पहले, तो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो टारगेट रहेगा इसमें बाइंग लेवल से 1650 और 1700 का टारगेट रहेगा। टाइम पीरियड रहेगा वो 1 से 7 दिन का रहेगा। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया टाटा कम्युनिकेशन। सिंपल सा चार्ट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, इसीलिए आप भरोसा कर सकते हो कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। अभी तीसरा स्टॉक है जिसका नाम है GNFC। GNFC भी आप बाय कर सकते हो, उसमें भी सेम सेटअप रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, डाउन ट्रेंड, यहाँ पे भी इसको भी ब्रेकआउट किया है, इसको भी ब्रेकआउट किया है और फाइनली ब्रेकआउट देके अच्छे से वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम भी अच्छे ठीक ठाक है और अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक समझो ये लेवल कल ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अच्छी रैली दिखा सकता है, अगर फॉल्स ब्रेकआउट होके नीचे आ जाता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो आप GNFC को बाय कर सकते हो, स्टॉक का नाम है GNFC, डेली चार्ट के ऊपर है, CMP चल रहा है, 489 चल रहा है। आपको बाय एबो कब करना है, 494 के ऊपर बाय करना है, 481 का DCB स्टॉप लॉस लगाना है, यानी जो एक कैंडल का लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर पहले ऊपर कॉल एक्टिव होगा तभी स्टॉप लॉस लगाऊंगे, अगर स्टॉप लॉस पहले आ जाता है तो वो अपना इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। टारगेट रहेगा वो 510 और 520 का रहेगा, और वो भी 1 से 7 दिन में। जब भी ट्रेड एक्टिव हो, समझो कि सोमवार को यानी कि मंडे को कॉल एक्टिव नहीं हुआ, मंडे को समझो कि इसके दोनों की रेंज में ही ट्रेड किया और ट्यूसडे को कॉल एक्टिव हुआ, तो तब से अपने 7 दिन गिनेंगे। अगर ट्यूसडे नहीं वेनसडे को कॉल एक्टिव हुआ तो तब से 7 दिन गिनेंगे। ऐसा नहीं है कि मंडे से 7 दिन काउंट करो, जब भी कॉल एक्टिव हो जाएगा उसके बाद ही आप टाइम अपना 1 से 7 दिन का टाइम काउंट कर सकते हो। तो तीसरे स्टॉक का नाम था GNFC। अभी चौथा स्टॉक बताने जा रहा हूँ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो। चौथा स्टॉक का नाम है जिसका नाम है रेन इंडस्ट्री। इसमें भी देखो यहाँ पे क्या किया स्टॉक ने, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है और यहाँ पे उसने फाइनली ब्रेकआउट दे चुका था और यहाँ से ऊपर चल रहा है और यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे वॉल्यूम भी ठीक ठाक आ रहा है इसमें। तो अगर रेन इंडस्ट्री ये जो रेड कैंडल बनाई है उसके ऊपर कल ट्रेड करता है तो अच्छा रैली आ सकता है, अगर उसके नीचे पहले ट्रेड करे तो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। तो रेन इंडस्ट्री स्टॉक का नाम है, CMP चल रहा है, 251 चल रहा है।
अपने को कब बाय करना है, 256 के ऊपर बाय करना है, 250 का डीसीबी स्टॉप लॉस लगाना है। जब भी 256 क्रॉस करेगा तो 265 और 270 आ सकता है और इसका टाइम पीरियड रहेगा वो 1 से 7 दिन रहेगा। गाइज ये सारे मोमेंटम स्टॉक होते हैं तो आराम से इसमें टारगेट बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे। 270 के भी ऊपर जा सकता है वो, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कितना उसको होल्ड रखते हो और किस तरह उसको ट्रेल करके जाते हो, तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, लेकिन स्टॉप लॉस लेवल सबके लिए सेम रहेगी। अभी 4 स्टॉक मैंने बता दिए, अभी 5वां स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है फीम इंडस्ट्री। फीम इंडस्ट्री को भी आप बाय कर सकते हो, बाय करने का रीजन मैं बता देता हूँ। स्टॉक का नाम है फीम इंडस्ट्री, तो उसमें भी देखो डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे क्या किया स्टॉक ने, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे भी रेसिस्टेंट लिया नीचे आया और फाइनली अभी ब्रेकआउट दिया ही था, लेकिन उसने देखो क्लोज कहाँ पे दिया, जो ये उसका सप्लाई जोन था उसके नीचे क्लोज दिया है स्टॉक ने। यानी आप बोल सकते हो कि उसको फॉल्स ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, फॉल्स ब्रेकआउट वैसे तो नहीं बोल सकते हो क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर क्लोज देना जरूरी है। अगर स्टॉक यहाँ पे क्लोज देता तो अपने इसको मान सकते थे कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टॉक ने देखो ऊपर गया इंट्राडे में लेकिन उसके नीचे जो ये लेवल था उसके नीचे ही क्लोज दिया, यानी अपने बोल नहीं सकते कि स्टॉक कल यहाँ से ऊपर ही जाएगा, मे बी कल यहाँ से रेड कैंडल बना के नीचे आ जाए और वो नीचे रेसिस्टेंट, क्योंकि उसका ये मेन एरिया है उसको क्रॉस करना जरूरी है। कल उसने क्रॉस भी किया था लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, तो अपने अभी इसको बाय करने का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उसके पीछे का रीजन देखोगे तो वॉल्यूम उसके पीछे का रीजन देखोगे तो वॉल्यूम अच्छे से आ रहा है धीरे धीरे। तो अगर कल मतलब मंडे को ये लेवल क्रॉस करता है, जो कैंडल का हाई क्रॉस करके ऊपर जाता है फिर से, तो अच्छी रैली आ सकती है फाइनली, तो आप इसको बाय कर सकते हो। स्टॉक का नाम है फीम इंडस्ट्री, CMP चल रहा है 1324 चल रहा है। आपको कब बाय करना है, 1361 के ऊपर बाय करना है। DCB स्टॉप लॉस कितना है, 1320 का है। टारगेट लगाओगे 1420 और 1470 का टारगेट रहेगा, बहुत अच्छा टारगेट है और टाइम पीरियड रहेगा वो 1 से 7 दिन का रहेगा। 1361 अगर पहले आ जाता है तो ही कॉल एक्टिव होगा, अगर 1320 के नीचे समझो कल यहाँ पे ही 1310 पे ही ट्रेड करने लगता है तो वो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, तो ये ध्यान में लेके चल सकते हो। तो 5 स्टॉक मैंने बता दिए और 5 डेली चार्ट के ऊपर ही बताया। अभी 6 स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है पॉलीकैप। पॉलीकैप में भी आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर अच्छे से उसने डेली चार्ट में ब्रेकआउट दिया है। एरिया देखो रेसिस्टेंस लिया नीचे आया, एरिया देखो क्या किया, 2 बार रेसिस्टेंस नीचे आया, एरिया से रिजेक्शन मार के नीचे आया और फाइनली उसने क्या किया, अच्छी कैंडल के साथ ऊपर क्लोज दिया। तो मैंने बोला था ना क्लोज देना जरूरी है, ये उसका पहले सप्लाई जोन था। जैसे फीम इंडस्ट्री में क्या हुआ, सप्लाई जोन के ऊपर ट्रेड तो किया इंट्राडे में लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे दिया, उसके नीचे दिया। इसने क्या किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया और दूसरे दिन भी अच्छे से ऊपर ट्रेड किया है और वॉल्यूम भी देखो बैक टू बैक आ रहा है, उसमें बहुत अच्छे से वॉल्यूम आ रहे हैं। तो ये स्टॉक को आप बाय कर सकते हो, लेकिन कब बाय कर सकते हो, अभी CMP पे तुरंत बाय मत करो अभी अपने को, क्योंकि यहाँ पे अपने एंट्री ली नहीं, तो अभी एंट्री लेनी है तो क्या करेंगे, एक कैंडल के हाई के ऊपर अगर स्टॉक अच्छा होगा तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा और अच्छी रैली दिखा सकता है। अगर स्टॉक वीक होगा तो वो लेवल क्रॉस कर ही नहीं पाएगा और फाइनली नीचे आ जाएगा। तो पॉलीकैप को आपको बाय करना है, CMP चल रहा है 2693.94 चल रहा है, आपको 2760 के ऊपर बाय करना है। 2760 यानी एक कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर थोड़ा बफर लगा कि आपको उसको बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 2652 का रहेगा, वो DCB रहेगा और टारगेट बहुत अच्छा है, 2850, 2950 और 3000 के भी टारगेट आ सकता है 1 से 7 दिन में। जब भी कॉल एक्टिव होगा तभी आप टारगेट लगा सकते हो। तो इसमें वही रहेगा कि 2760 पहले आना चाहिए, अभी 2694 चल रहा है समझो, कल ओपन हुआ 2700 पे और 2652 के नीचे ट्रेड करता है तो इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, या तो अपना ये पहला लेवल आ जाएगा 2760 का तो कॉल एक्टिव हो जाएगा और आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सॉरी गाइस,
तो गाइज मैंने आपको 6 स्टॉक बता दिए और वो भी एकदम सिंपल तरीके से डेली चार्ट के ऊपर, वो मल्टीपल रेसिस्टेंट ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम के साथ दिया है। ऐसे स्टॉक बताए जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो में ऐसे ही स्टॉक होने चाहिए ताकि वो आराम से देख सकते हो आप ट्रेंड लाइन भी इसमें कितने अच्छे से ड्रॉ है। तो ऐसे स्टॉक में आप ट्रेडिंग करोगे, इसमें एक पैटर्न में क्या होता है, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। कोई भी स्टॉक होता है इसमें ऐसा नहीं कि साइडवेज ही जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी ब्रेकआउट में है और वॉल्यूम के साथ है, तो अभी वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा ही नहीं। ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 10% ऊपर जाके टाइम स्पेंड करेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा। तो ऐसे मोमेंटम स्टॉक में अपने ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छे से पैसे कमा सकते हो। तो अपने रिपीट करते थे, पहला स्टॉक का नाम है FCL, दूसरा स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, तीसरा स्टॉक है GNFC, चौथा स्टॉक है रेन इंडस्ट्री, पांचवा स्टॉक है फीम इंडस्ट्री, छठा स्टॉक है पॉलीकैप। तो 6 ट्रेड है, स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो और लेवल भी लिख के रख सकते हो। जब भी ये लेवल क्रॉस करेंगे तो ये स्टॉक अच्छे से रैली दिखा सकते हैं। तो गाइज आज के लिए ये इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज 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 गाइज जो लोग मेरे साथ जुड़े तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो, उस पर आपको अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा, लाइव मार्केट में भी अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे। तो गाइज आज इतना ही था, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।